आप भी घर में बैठ के फ्री में मेटल डिटेक्टर ले सकते हैं। करना क्या है, जस्ट हमको सब्सक्राइब करिए, हुआ तो कुछ कमेंट करिए। जैसा ही हमारा 5000 सब्सक्राइबर्स होता है, उसमें से एक को मिलने वाला है मेटल डिटेक्टर, वो भी 10 फुट गहराई जाने वाला मेटल डिटेक्टर है, वो भी कंपनी का वारंटी के साथ में। जस्ट हमको सब्सक्राइब करिए, हुआ तो कुछ कमेंट करिए। नमस्कार, हम एशियन डिटेक्टर से हैं, हैदराबाद तेलंगाना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9010548894। आज का वीडियो में अपन बात करेंगे नोक्ता गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर के बारे में। बहुत लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर हम तो बोर हो चुका है इंडिया में, जो भी मेटल डिटेक्टर बेच रहा है उसको देख देख के। वही पुरानी कंपनी, एक बोलता है 75 साल, एक बोलता है 100 साल। हमको जो पुरानी ज़रूरत नहीं है, हमको चाहिए ज़्यादा डीप आना चाहिए, अच्छा अपडेट भी आना चाहिए, जो नया टेक्नोलॉजी के साथ पे जोड़ के रहना चाहिए। जैसा ही वो ज़्यादा डीप भी आने का, जो मेटल डिटेक्टर बनाने का जैसा इससे पहले कुछ एक्सपीरियंस रहे, ऐसा मेटल डिटेक्टर को लेके आइए। तो आपको तो मालूम है नोक्ता और मैक्रो मेटल डिटेक्टर तो जियो हंटर भी बनाता है, डीप हंटर 3D मोटर मेटल डिटेक्टर भी बनाएगा, और इनमें वो प्रो मेटल डिटेक्टर भी बनाता है। इसका जो ज़्यादा डीप जाने का सेगमेंट में तो वही है। तो वही कंपनी ने, जो नोक्ता कंपनी ने अभी लेके आया है गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर। गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर है 61 kHz के साथ में है। 61 kHz क्या होता है, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी देख लीजिए। हम तो नोक्ता का अभी अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, हम तो बहुत साल से नोक्ता और मैक्रो कंपनी का अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। इसका जो जियो हंटर में तो इंडिया में तो जितना ज़्यादा बिकने का प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा डीप जाने का सेगमेंट में। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारा बहुत सारे वीडियोस है जियो हंटर के बारे में, वो जितना डीप जाता है उसे एक्चुअल 3D पिक्चर कैसे दे सकता है, उसका पूरा वीडियो हम बना के ऑलरेडी दिया है। अगर आप भी जाके देख सकते हैं नोक्ता कंपनी के साइट में भी जाके, हम अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में। अभी देखिए गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर छोटे छोटे नगेट को भी आराम से पकड़ेगा, यानी छोटे छोटे टिन्नी नगेट रहता है। बहुत सारे मेटल डिटेक्टर टिन्नी नगेट्स को अवॉइड करता है, मगर वो बोलता है कि उसका पैरामीटर के हिसाब से इतना फ्रीक्वेंसी है, मगर गोल्ड क्रूसर तो आराम से पकड़ेगा। अगर ले लीजिए, अगर आप आईसीस के साथ में आपको आता है जो टिन्नी नगेट्स को पकड़ने के लिए 11x7 कॉइल के साथ में, 11x7 कॉइल है, यानी 28 cm x18 cm कॉइल भी ये स्टैंडर्ड एडिशन है इसके साथ में आता है। अगर इसके साथ में स्टैंडर्ड एडिशन के साथ पे लिया तो आपको जो छोटा छोटा नगेट है, यानी बहुत पतला हुआ जो नगेट है, यानी आप पहाड़ों पे देखना है या किनारों पे देखना है या आपको पहाड़ों पे या नदियों पे देखने, आराम से इसके साथ में ये जो गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर के साथ में ये 11x7 कॉइल के साथ में इजी छोटा छोटा नगेट्स को भी आराम से पकड़ता है। जैसा ही ले लीजिए, इसके साथ पे आपको आ जाता है 15.5x14 इंच एच कॉइल। बहुत सारे कस्टमर्स मुझे दूसरे कहने से फलाना कंपनी का मशीन लिया, फलाना डिस्ट्रीब्यूटर से, मगर वो ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है, क्यों सर क्या करूँ, उसने बोल दिया हमको 12 फुट बोल दिया, 10 फुट बोल दिया, मगर डीप नहीं जा रहा है। कारण एक ही है, जो भी कंपनी मशीन बनाता है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहना चाहिए बड़ा सेगमेंट में। यानी जैसा ही जियो हंटर ले लीजिए, इसका तो ज़्यादा डीप आता है कॉइल बड़ा रहने से, तो ऐसा ही उसको एक्सपीरियंस के वजह से इसमें जो ट्रांसमीटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स को कर छोड़ने के लिए, इसमें जो फ्रीक्वेंसी सही से बैठता है, जो एक्सपीरियंस कंपनी से लिया है जो बड़ा सेगमेंट में, वही कंपनी ज़्यादा डीप आने का चांसेस है। अगर ये मेटल डिटेक्टर इसके कॉइल के साथ पे लिया तो ज़्यादा डीप भी आता है। गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर छोटे छोटे नगेट को भी पकड़ेगा 61 kHz के साथ में। अभी देखिए इसका जो समर प्रमोशन चल रहा है, समर प्रमोशन यानी अपना इंडिया में तो समर तो नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे समर प्रमोशन यानी टर्की में ये जो प्रोडक्ट बनाता है कंपनी, जो नोक्ता कंपनी और मैक्रो कंपनी टर्की से है, इसका अभी समर प्रमोशन वहाँ पर तो समर है, इसीलिए समर प्रमोशन के कारण आपको अगर इन्फोनवो या गोल्ड क्रूसर या क्रूसर सीरीज कुछ भी मेटल डिटेक्टर दो वेराइटीज में कुछ भी लिया तो आपको आ जाता है पिन पॉइंटर भी साथ पे आएगा, डिगर भी साथ पे आएगा, कैप भी साथ में आता है। इसका जो फाइनल अभी 31 तक है, अगर 31 अगस्त तक लिया तो ये भी आपको फ्री में आ जाता है 3 साथ में। जो जियो हंटर ये इसका बना नोक्ता कंपनी बनाता है ज़्यादा डीप जाने का है, अभी आप ले लीजिए ये जो मेटल डिटेक्टर है ज़्यादा डीप जाता है। इसका जो डीप के बारे में मुझे बहुत सारे कस्टमर भी बोलते हैं कि सर अभी देखिए डीप जाने के लिए कौन सा पैरामीटर डिपेंड करता है, एक ही पैरामीटर है जो उसको एक्सपीरियंस रहना है डीप जाने का मेटल डिटेक्टर, तभी ये डीप जाने का मेटल डिटेक्टर रहता है। इसमें जो नोक्ता कंपनी ने क्लेम कर रहा है कि 5 मीटर, यानी अगर आप फीट में कन्वर्शन कर दिया तो 16.4 फीट का डीप जाने का मेटल डिटेक्टर नोक्ता कंपनी ने उसको
क्लाइम कर रहा है, यानी आपको जो मेटल डिटेक्टर है जो डिपेंड करेगा, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, जितना कॉइल बड़ा है उतना ज़्यादा डीप जाता है। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन का सेगमेंट भी अच्छा है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन यानी बहुत सारे कंपनी से उसमें आपको आयरन को ऑफ करा तो भी आयरन को पकड़ता है, कारण है कि उसमें जो आईसील्स जो यूज़ करते हैं वो सही आईसील्स नहीं रहता, जो चीप आईसील्स रहते हैं। मगर इसका जो देखिए आपको 99.9% आयरन को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आयरन में कोई दूसरा धातु रहा तो पकड़ने का चांसेस है, मगर आराम से इसका डिस्क्रिमिनेशन भी आपको अवॉइड कर सकते हैं, आयरन को अवॉइड कर सकते हैं। आपको पता भी चलेगा आयरन को आयरन करके, गोल्ड को गोल्ड करके, सिल्वर को सिल्वर करके, कॉपर को कॉपर करके, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम करके। इसमें जो गोल्ड क्रूसर में जो तो नया टेक्नोलॉजी के साथ में आया है, इसीलिए आपको पहले पता चलता है वो कौन सा मेटल है, और ये भी पता चलता है उसका साइज़ क्या है। ये गोल्ड क्रूसर में इंडिया में जो भी बिक रहा है उसमें किसमें भी पता नहीं चलता है उसका साइज़ क्या है, उसका डेप्थ क्या है, और वो कौन सा मेटल है। वो बोलता है कि गोल्ड है, खुदाई करने के बाद में उसको आ जाता है आयरन है, रस्टेड मेटल है। तो मगर इसमें जो 99.9% आपको एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेशन आराम से मिल जाता है, डेप्थ भी ज़्यादा डीप जाता है, छोटा नगेट को भी ज़्यादा डीप पकड़ेगा, अगर दो कॉयल प्रो के साथ पे लिया तो ज़्यादा डीप भी आराम से मिल जाता है आपको। और देखिए इसमें फोर सेच मोड है, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया था। अभी फोर सेच मोड क्या होता है, सेच मोड यानी जनरल मोड है, ऑल मेटल मोड है, और इसमें फास्ट मोड है, बूस्ट मोड है, और माइक्रो मोड है। अगर जनरल मोड पे, अगर ऑल मेटल मोड पे आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर दीजिए, आयरन को भी पकड़ता है, गोल्ड को भी पकड़ेगा, सिल्वर को भी पकड़ेगा, कॉपर को भी पकड़ेगा, एल्यूमिनियम को भी पकड़ेगा, हर एक मेटल को पकड़ेगा। मगर इसमें जो ट्रैश मेटल रहता है, यानी जो ट्रैश मेटल है, और जो अगर आप बल्लारी से है या एमपी से है या राजस्थान से है या केरला से है या तमिलनाडु से, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है मेटल डिटेक्टर चलाने में, वो मिनरलाइज्ड सॉइल पे, यानी जिधर मिनरलाइजेशन ज़्यादा रहता है। मिनरलाइज्ड का मतलब है वो पत्थर है, पत्थर के ऊपर भी बचता है बहुत सारे मेटल डिटेक्टर में। इसमें जो गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर जो नया टेक्नोलॉजी के साथ पे आ रहा है, इसीलिए जो पत्थर के ऊपर ऑलरेडी हम ये मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लेके आके अभी इसको टेस्टिंग भी कर लिया है, जो पत्थर के ऊपर तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो रहा है, यानी मिनरलाइज्ड के सॉइल के ऊपर बिल्कुल बंद है। अगर आप बल्लारी एरिया पे गया तो वहाँ तो पूरे के पूरा आयरन और पड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं काला पत्थर। तो ब्लैक पत्थर के ऊपर कुछ भी आवाज़ नहीं है। कभी कभी रेतीली सॉइल रहता है, वहाँ पर भी आवाज़ आने का बहुत बहुत तंग करता है मेटल डिटेक्टर। बहुत सारे मेटल डिटेक्टर आपको भी शायद ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप भी मुझे जो मेटल डिटेक्टर आप लेके ऐसा प्रॉब्लम हुआ है मुझे कमेंट का सेक्शन में कमेंट करिए। मगर इसमें तो ऐसा तो नहीं है, आपको आराम से इसका जो ऑल मेटल मोड पे यूज़ करिए या फास्ट मोड या बूस्ट मोड या माइक्रो मोड, डिस्क्रिमिनेशन के मोड पे भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फास्ट मोड यानी फटाफट होता है, यानी आप जो मेटल डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी एक बार अगर छोड़ने के बाद में 61 किलोहर्ट्ज़ है इसका, यानी 61,000 के बाद उसका जो सिग्नल पैरामीटर्स अंदर जाके फिर ऊपर होता है, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसका जो डेटा कंप्लीट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स को छोड़ के फिर रिसीव करके ट्रांसमीटर के द्वारा आपको पता भी चलेगा कौन सा मेटल है। इसको फास्ट का ऑप्शन है, यानी फास्ट का ऑप्शन वो लगा दीजिए, आराम से आपको फास्ट आपको ऑप्शन से भी आराम से चला सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारे मेटल डिटेक्टर हैं, आप कस्टमर भी मुझे कॉल करके पूछा है कि तो नया अपडेट लेके आइए, तो अगर बहुत सारे मशीन में आपको ये नहीं रहता है कि ऑनलाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आया ऑनलाइन में उसको नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन में यानी कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ अपडेट आया ऑनलाइन में उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, मगर इसका जो नोक्ता का जो गोल्ड क्रूसर मेटल डिटेक्टर में आप उसका जो ऑनलाइन में आप वहाँ पर बैठ के इसको ऑनलाइन में अपडेट भी ले सकते हैं। जस्ट आपको पीसी को कनेक्ट करिए वाया यूएसबी के द्वारा, पीसी को कनेक्ट करके उसका जो अपडेट जो भी आता है आप यहाँ पर बैठ के, यानी कंपनी तो टर्की का है मगर यहाँ पर बैठ के ऑनलाइन में उसका जो पूरे के पूरा अपडेट भी ले सकते हैं। इसमें देखिए टारगेट आईडी है, टारगेट आईडी यानी ऑलरेडी अभी अपन डिस्कशन भी करे थे 00 to 99, यानी अलग अलग टारगेट आईडी क्या होता है ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, अगर वीडियो नहीं देखा तो हमारा एशियन डिटेक्टर कंपनी का जो चैनल सब्सक्राइब करिए और जाके भी देख लीजिए। अभी जो 0 to 99 जो इसका जो टारगेट आईडी है, टारगेट आईडी का अलग अलग रहता है, यानी आयरन को अलग करता है, गोल्ड को अलग करता है, अगर आयरन को आपको पकड़ना नहीं तो आयरन को ऑफ कर दीजिए, अगर सिल्वर को अलग करता है, कॉपर को अलग करता है, अलग अलग आपको टारगेट आईडी के द्वारा आपको 0 to 99 ईजिली आपको स्क्रीन पे मेटल डिटेक्टर में आपको पता चल जाता है वो कौन सा मेटल है जो टारगेट आईडी, यानी वो अब अगर आपको एक छोटा सा मेटल को आया है मगर आप खुदाई करने के बाद में आपको पता चलता है वो आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप खुदाई कर लिए, मगर ये जो मेटल डिटेक्टर के द्वारा आपको पहले मालूम हो जाता है कौन सा मेटल है वो
उसके कारण आप आराम से, आपका टाइम बहुत बहुत सेव होता है, उसके कारण आप ये देख के आप आराम से सेव कर सकते हैं, टाइम आपको आराम से सेव होता है। अगर ये तो बना है वाटरप्रूफ कॉन्सेंट्रिक सर्च कॉइल के साथ में, वाटरप्रूफ का कॉइल है, आप पानी में भी डुबा सकते हैं, यानी पाइन का पानी में डुबा सकते हैं, मगर जो ऊपर का स्क्रीन है उसको पानी में नहीं डुबाना है। जब तक उसका जो कॉइल का और जो शाफ्ट है और जो उसका रॉड है तब वहाँ तक डुबा सकते हैं, और पूरा कॉइल को पानी में भी डुबा के आराम से चेक कर सकते हैं। अगर छोटा कॉइल के साथ पे लिया तो नगेटों के लिए भी बहुत बढ़िया मशीन है, और ज़्यादा डीप होना है बोल तो आपको 15.5x14 सर्च कॉइल है, 14 इंच का सर्च कॉइल है उसका जो ऑप्शनली आएगा, और इसका जो लेंथ है एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं 44 इंचेस टू 53 तक। और ये तो ऑलरेडी है VLF मोड है, ऑलरेडी मैं बता दिया आपको VLF मोड क्या रहता है। VLF और पल्स इंडक्शन मोड है जो मेटल डिटेक्टर बनाने में, जो VLF है वे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रहता है, पल्स इंडक्शन है उनका अलग है। पल्स इंडक्शन में आपको बहुत प्रॉब्लम रहता है, अगर बीच का सॉइल में गया तो या सॉल्ट का सॉइल में गया तो मिनरलाइजेशन में गया तो आपका आवाज़ आता है, ज़्यादा कर कर बोल के आवाज़ आने का चांसेस है। अगर ये VLF मोड के साथ में है, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है फ्रीक्वेंसी है 61 किलोहर्ट्ज़ है, 61 किलोहर्ट्ज़ यानी आराम से छोटे नगेट्स को भी पकड़ता है, जैसा ही जो डीप जाने का 15.5x14 सर्च कॉइल लिया तो साथ पे ज़्यादा डीप भी आ जाता है। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज़ x 700 हर्ट्ज़ एडजस्टेबल है, अगर जो इसका एडजस्ट करते हैं ना जो हेडफोन्स लगाने के बाद में उसका एडजस्ट भी कर सकते हैं उसका आवाज़ को। और इसमें तो ऑलरेडी आपको बता दिया 4 स्विच मोड है, ऑल मेटल मोड है, और फास्ट मोड है, और बूस्ट मोड है, और माइक्रो मोड है। ये पूरा मोड के साथ पे आराम से कौन सा मोड आपको चाहिए वो मोड सेलेक्ट करके आप आराम से जा सकते हैं। आयरन का अलग आता है जो बहुत सारे डिटेक्टर्स में आपको पता नहीं चलेगा, जो पुरानी कंपनी बोलता है 75 साल और 100 साल का कंपनी, उसमें आयरन का ऑप्शन नहीं है, वो आयरन को अलग से आवाज़ नहीं आता है, मगर इसमें आपको पता चलता है लो कंडक्टिविटी जो फ्रीक्वेंसी जो फेरस आइटम है जो आयरन को आपको अलर्ट करता है यहाँ पर आयरन है करके। और टोन ब्रेक है, और ब्रेक भी टोन होता है, जब कोई मेटल उसके साथ पे गया तो टोन ब्रेक का भी आवाज़ आता है। नोच फिल्टर है, या नोच फिल्टर यानी कुछ उसका हवा कोई उसका उसका कोई यूज़ तो नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं नोच फिल्टर मगर कोई उसका कुछ नहीं है। ग्राउंड ट्रैकिंग भी है, ग्राउंड ट्रैकिंग का मतलब है ऑटोमेटिक और मैनुअल ग्राउंड ट्रैकिंग भी इसके साथ पे आप आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें ये पैकेज कंटेंट है, और ये मेटल डिटेक्टर आपको लेना है तो हमको कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9010548894। 110% ये ज़्यादा डीप जाता है, नगेट्स के लिए भी अच्छा मेटल डिटेक्टर है। इसके साथ पे आप अगर ये ले दिया तो पैकेज सिस्टम बॉक्स आता है, और वाटरप्रूफ सर्च कॉइल भी साथ पे आएगा, और जो अगर छोटा जो स्टैंडर्ड एडिशन है 26x14 इसका सेंटीमीटर है, यानी अगर इंचेस में लिया तो 11x7 इंचेस को कॉइल भी साथ में आता है। अगर आपको प्रो वर्शन लेना है यानी नगेट हंटिंग भी करना है ट्रेजर हंटिंग भी करना है तो ले लीजिए 15.5x14 इंच सर्च कॉइल साथ में। और अगर आपको ये 2.4 जो वायरलेस हेडफोन भी आपको अगर लेना है वो भी इसके साथ में आ जाता है आपको। और USB चार्जिंग है, अगर USB चार्जिंग भी लगा सकते हैं, डेटा केबल भी साथ में आता है, इसका पूरा 2 साल का वारंटी है, अगर जो भी प्रॉब्लम आया तो हम लोग फ्री में आपको दूसरा पीस भी दे देंगे। अभी देखिए ये तो प्रोटेक्टिव स्क्रीन कवर है, यानी ये तो पूरा एक्सेसरीज में आता है, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो ये एक्स्ट्रा आता है। मुझे मत बोलिए कस्टमर मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर उसमें तो मुझे एक्स्ट्रा दे दिया है, वहाँ पर तो एक्सेसरीज में प्रोटेक्टिव स्क्रीन कवर दे दिया, मगर ऐसा तो नहीं आएगा, अगर ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और स्टैंड भी लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको अगर होना बोल तो। AC चार्जर भी साथ में आता है, अगर ये तो साथ अगर आपको ये पूरा एक्स्ट्रा में आता है। और अब देखिए वाटरप्रूफ हेडफोन्स तो आपको तो मिल जाएगा इसके साथ में, और हेडफोन्स का अडाप्टर है वो भी आ जाएगा। ऑलरेडी मैं बोल दिया हूँ, अभी एक अपडेट भी दिया है सॉफ्टवेयर का, जो नोक्ता कंपनी का वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं, उसको भी डाउनलोड करा। ऑलरेडी ये गोल्ड प्रोसेसर तो आके भी बहुत दिना हो गया, बहुत दिनों से ये मशीन बेच रहा है, अगर उसका नया अपडेट भी आया है यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका अपडेट। उसको जस्ट आपको उसके ऊपर लिंक को क्लिक कर दिया तो वो आपका PC में डाउनलोड हो जाता है, जैसे ही डाउनलोड होता है उसको आप आपका मेटल डिटेक्टर में कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसा टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है, काल ही आपको वही आवाज़ देता है स्क्रीन पे वही है, मगर इसका अपडेटेड का वर्जन भी है, नोक्ता कंपनी ने लेके आया है, इसको बहुत बहुत बढ़िया मशीन है। आपको इसके साथ में पिन पॉइंट बटन भी आराम से कर सकते हैं, अगर आपको सर्च कॉइल लेना है स्टैंडर्ड कॉइल के साथ में 7.5x14 है, अगर वो भी कॉइल भी ले सकते हैं। ये पूरा आपको एक्सेसरीज में आता है, गोल्ड क्रिसर मेटल डिटेक्टर है, नगेट को भी पकड़ता है, ज़्यादा डीप भी आता है। अगर आपको खरीदना है ये मेटल डिटेक्टर हमको कॉल करिए 9010548894, हमारे पास पूरे के पूरा स्टॉक अभी है।